मेरी सबसे पहले जो शादी हुई थी ना वो हुई थी सूरत से, जानते होंगे नहीं भी जानते होंगे, वो मेरे पहले हस्बैंड थे, यहाँ मेरी शादी होकर आई थी। प्यार भी करते थे और नहीं भी करते थे, जो भी था, मतलब मैं ये कहूँगी कि प्यार करते हो तो तुम कुत्तों जैसा सलूक कैसे कर सकते हो मेरे साथ में। आज कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरे सास ससुर सही है ना, तो मैं शुरुआत करूंगी अपनी जिंदगी, क्योंकि मैं थक गई हूँ, मैं बिल्कुल थक गई हूँ छुपा छुपा के, जब से मेरी शादी हुई है मैंने हम इनकी गलतियां इसी सीखी। टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं, जो अभी अभी आपने देखी है। थोड़ी सी क्लिप मैंने अभी दिखाई है, अभी मैं और दिखाऊंगी, बट उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आखिर क्यों, मतलब एक औरत क्यों इतना दबती है, क्यों इतना डरती है कि वो इतने सालों तक क्यों बर्दाश्त करती है, किस चीज का इंतजार उसे रहता है? क्या वो किसी के सपोर्ट में बैठी रहती है, या वो किसी से उम्मीद होती है उसे? समझ नहीं आता, मतलब क्यों करती हैं ऐसे, क्यों झेलती हैं, इतना क्यों बर्दाश्त करती हैं? जैसा कि पता ही है कि सपना चौधरी जो हैं, उनके पहले हस्बैंड का नाम सूरज था, जो बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे और सपना के साथ बहुत ज्यादा मारपीट करते थे। उनके सास ससुर भी अपने लड़के का ही साथ देते थे, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि तू इसे क्यों मारता है। कहते हैं ना, औरत ही औरत की दुश्मन होती है, तो जो उसकी सास है, जाहिर सी बात है वो भी औरत है। उसने भी एक बार भी ये महसूस करने की कोशिश नहीं की एक औरत है ये। कुछ ना कुछ क्या हादसा होता क्या नहीं होता, अभी तक ये चीज क्लियर नहीं है कि उसके हस्बैंड के साथ आखिर हुआ क्या था, कि उसका पहला हस्बैंड कैसे एक्सपायर हुआ, यानी सूरज कैसे एक्सपायर हुआ। सूरज के एक्सपायर होने के बाद घर वाले उसकी शादी राजवीर से करवा देते हैं, जो रिश्ते में उसका देवर होता है। चलो अच्छी बात है भी, एक औरत जिसकी उम्र ही क्या हुई होती है, एक ही लड़की उसके पास होती है, उसकी शादी राजवीर से करवा देते हैं। तो राजवीर जो थे ना, वो सपना को बहुत समझते थे, बहुत हेल्प करते थे इसकी, बहुत प्यार करते थे। लेकिन वीडियो में सपना ये कहती हुई नजर आई कि वो सूरज से बहुत प्यार करती थी। मुझे नहीं लगता ये लाइन उनको बोलनी चाहिए थी, इतना कुछ होने के बावजूद भी वो ये कह रही है कि मैं सूरज जी से बहुत प्यार करती थी। तो भाई तुम कैसे, मतलब एक हिम्मत वाली औरत कैसे हो सकती है फिर तुम? इतना कुछ झेलने के बाद, इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद, मारपीट, मतलब कहते ना मौत के मुंह से बाहर आना, पता नहीं कितनी बार आई होंगी आप। ऐसी मारपीट एक बार तो हुई नहीं होगी आपके साथ, जैसा कि आपने कहा कि आप और खुलासे करने वाली हो, पता नहीं क्या खुलासे आप करने वाली हो। राजवीर से आपका बहुत अच्छा कनेक्शन, बहुत अच्छा बॉन्ड आपका बन चुका था, आपने जो अपने वीडियो में बोला और हमें भी देखने को मिला। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बहुत सारी वीडियो ऐसी है सूरज के साथ, उसमें भी आपका बॉन्ड बहुत अच्छा जो है सूरज के साथ देखने को मिल रहा है, कि सूरज भी आपकी बहुत केयर करता था, यानी लोगों को दिखाया कुछ और गया और बताया कुछ और गया। इस हिसाब से तो हम कैसे मान लें कि राजवीर भी आपसे बहुत प्यार करते थे या आपको सपोर्ट करते थे, क्योंकि सेम वीडियो आपने राजवीर के साथ बनाई हुई है, फ्रेंडली, एक हंसी, बहुत खुशी खुशी वाली, मतलब कहते हैं कि अपनी लाइफ में बहुत खुश हो। यही चीज हमें सूरज के साथ जो आपकी वीडियो, उनमें भी सेम क्लियर देखने को मिल रहा है कि आप सूरज के साथ भी बहुत खुश थे। तो फिर ये वीडियो कहां से आई, इतनी मारपीट होने के बावजूद भी आप उसके साथ खुश थे, तो क्या था ये? चलो पहले हम थोड़ी सी वीडियो उनकी देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। बहुत प्यार दिया, बहुत ज्यादा, जिंदगी जीने का सिखाया कि जिंदगी ऐसी होती है, पति ऐसे होता है। सूरज जी ने तो कुत्तों की जैसी हालत कर दी थी, सब लोग फिर बताया, मैं प्रेग्नेंट थी, 4 महीने की बेटी मेरे पेट में थी, तब मार रहे थे, मेरे गला बंद कर दिया था, बिल्कुल मुंह बंद करके चाटे मार रहे थे इस कमरे में, बंदी में। ये रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाऊंगी सबको। निकल 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 निकल
तो बाकी की वीडियो आप देख ही चुके होंगे, तो क्या समझ नहीं आ रहा, मतलब आखिर ये इतने टाइम तक चुप क्यों थी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये चुप थी। इसका बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग रखती है, इसका पूरा परिवार इसकी फुल सपोर्ट में है, इसके दो भाई हैं जो इससे बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे बैकग्राउंड से है सपना, उसके बावजूद भी ये चुप क्यों थी, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, इतने सालों बाद उन्होंने ये मुद्दा क्यों उठाया, ये भी एक क्वेश्चन है। अब ये चीज जो है या तो ये उनका व्लॉग आने के बाद ही पता चल सकता है, क्योंकि अभी तक उनका कोई व्लॉग नहीं आया है। तो जो भी ऐसी औरतें हैं जो ऐसे घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि समय रहते आप एक्शन ले लिया करो, ये ना हो कि आपके एक्शन ना लेने की वजह से सजा आपके बच्चों को भुगतनी पड़े, तो ऐसा मत करा करो, समय रहते एक्शन ले लिया करो, सालों का वेट नहीं करना होता, किसी चीज का वेट नहीं करना होता, खासकर ऐसे हादसे में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ बात बच्चों से रिलेटेड होती है। अब देखना ये है कि उनके नेक्स्ट व्लॉग में आखिर होना क्या है, क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी जो उन्होंने एक ऑडियो उन्होंने शेयर की है, जो आपने देखी है, उस ऑडियो में क्लियरली दिख रहा है कि कितना ज्यादा अत्याचार सपना के साथ हुआ, फिर भी उन्होंने बर्दाश्त किया। तो चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को फिलहाल करते हैं यहाँ पे खत्म, करते हैं वेट सपना के नेक्स्ट व्लॉग का। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो।